कोरोना के काल में अब किसी मां को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां, अरे तुमने इस तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। मां, छठ पूजा का त्योहार शान से मनाओ, तुम्हारा बेटा रात को भूखा नहीं सोने दूंगा। छठ पूजा तक मुफ्त राशन देने की वजह से उन्हें बहुत बड़ी मदद मिली है। इतना ही नहीं, बिहार की लाखों बहनों के जनधन बैंक खाते में सीधे पैसे गए, उज्ज्वला का गैस सिलेंडर मुफ्त पहुंचाया गया। भाइयों और बहनों, आज आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उसकी प्रेरणा और प्रोत्साहन सुशासन है। बिहार का बेहतर होता इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज आप अपने आसपास देखिए, गंगा जी हो, कोसी हो या फिर दूसरी नदियां, आज जगह जगह पुल बन रहे हैं। नदियों पर पुल बहुत कम होने की जो बिहार की सदियों पुरानी समस्या रही है, वो अब सुलझ रही है। बीते सालों में एनडीए सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, रेलवे और नदी जलमार्गों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। इस क्षेत्र में पीएम पैकेज के तहत 2500 करोड़ रुपए से अधिक रेलवे के प्रोजेक्ट और करीब 1000 करोड़ रुपए के हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। हाईवे और रेलवे के साथ साथ यहां अनेक युवाओं को रोजगार देने वाली डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री पर काम हुआ है। साथियों, गंगा जी की स्वच्छता और निर्मलता हर बिहार निवासी के दिल के बहुत करीब रही है। जब छठी मैया की पूजा के दौरान गंगा जी के किनारे हजारों हजार महिलाओं की भीड़ जुड़ती है, तो उनकी सबसे बड़ी जरूरत होती है साफ गंगा जी का पानी, साफ स्वच्छ पानी। गंगा जी के पानी को स्वच्छ करने के लिए बीते वर्षों में जो प्रयास हुए हैं, उसका असर आप भी देख रहे हैं। गंगा जी में गिरने वाला गंदा पानी साफ हो, पानी की सफाई हो, इसके लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। गंगा जी पर देश का पहला नदी जलमार्ग हल्दिया से बनारस तक तो पहले ही से ही शुरू हो चुका है। आप मुझे बताइए भाइयों, ये मोदी के आने के बाद हमारी गंगा मैया बहना शुरू हुआ है? जरा बोलिए ना,
ये मोदी के आने से पहले भी गंगा मैया ठीक नहीं थी, पानी बह रहा था कि नहीं बह रहा था, क्या उसके अंदर ये जहाज चला करके व्यापार हो सकता था कि नहीं हो सकता था। लेकिन पहले ऐसे लोग बैठे थे कि उनको गंगा मैया की इस ताकत की समझ नहीं थी, ये आपका बेटा ऐसा बैठा है कि उसको गंगा मैया की भी ताकत का पता है।